वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा आठवीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर तीसरा, और लेसन का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसका यह सेशन नंबर 14वां है। इसके पहले भाग में लेखक ने हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया। अब पढ़ते हैं बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। कि देखो, ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्मा संबंधित ज्ञान। अब उस समय समाज व्यवस्था मिथ्या आडंबरों में, अंधविश्वासों में या सत्यता पर आधार न होकर आत्मा ब्रह्मा इसके अंतर्गत ही विचार विमर्श में उसके अंतर्गत में ही बहुत सारे लोग अपने विचारों के प्रभाव में बह रहे थे। लेकिन बुद्ध के जो संदेश था उनके संदेश के द्वारा भारतीयों में एक नया और मौलिक प्रचार शुरू हुआ था, और जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे हुए थे उनके लिए यह बहुत अलौकिक था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। अब देखो, बुद्ध का संदेश किसी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को लेकर नहीं था। वह अहिंसा और यथार्थवादी में विश्वास रखने वाले थे। वह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोध में थे। तो उन्होंने अपने इस संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों से क्या कहा था कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती है जैसे समुद्र में नदियां। तो देखो, अलग अलग समुद्र, अलग अलग छोटी छोटी नदियां मिलकर जब समुद्र में जाकर बहने लगती है तो समुद्र का पानी में वो क्या हो जाती है, मिलन हो जाता है। और इस प्रकार न हम समुद्र के पानी को अलग कर सकते हैं और न नदियों के। तो इस प्रकार बुद्ध धर्म में अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ आकर इस संदेश को ग्रहण करके उसका प्रचार करने में लगे हुए थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, उन्होंने अपने शिष्यों से यही कहा था कि इस धर्म में सब जातियां आकर एक तरह मिल जाती है। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया था, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं बल्कि घृणा का अंत प्रेम से ही होता है। तो इस प्रकार उनके प्रवर्तक जो थे बौद्ध धर्म के, वो संदेश क्या देते थे कि सारे इस मानव जाति को सिर्फ प्यार से ही जीता जाता है। अगर हम घृणा या द्वेष का उत्तर अगर हम घृणा या द्वेष में देगा तो उससे क्या होगा, उससे और भी द्वेष मत्सर घृणा बढ़ेगी। तो इसके लिए वो कहते हैं कि इस संसार में घृणा का अंत करना है तो हमें वो प्यार से करना है, प्रेम से नहीं, द्वेष या मत्सर या घृणा से करना है। तथा इस धर्म का प्रमुख संदेश करुणा और प्रेम का ही था। तो इस प्रकार सारे संसार में उन्होंने अपना संदेश फैला दिया था। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। तो देखो, यह उनका प्रमुख संदेश था कि मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू करना चाहिए। सदाचारों आत्मानुशासन का आदर्श था। सदाचार मतलब अच्छा आचरण। कि उस समय देखो, मनुष्यों को किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन न होने पर वह क्या करता था, उसका आचरण अच्छा नहीं रहता था। तो कौन सी उम्र में हमें किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, इसका संदेश, इसकी सीख इस धर्म के द्वारा देने शिष्य को दी जाने लगी। तथा आत्मानुशासन, कि देखो, शासन हमारे आत्मा को हमें शासन में रखना है, कि आत्मा ही वह चीज है जो हमें अपने उद्देश्य से यहाँ वहां भटकाता रहता है। तो ऐसे इस आत्मा को केंद्रित कर उसे अपने मुट्ठी में रखना है, उस पर शासित करना है, कि उसमें जो अलग अलग जो मद मत्सर क्रोध घृणा
आदि जो भावनाएं होती है उसका मूल आत्मा से होता है। लेकिन अगर हमने अपने आत्मा को ही अनुशासित कर लिया है तो इन सारी चीजों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार उन बौद्ध धर्म के द्वारा उनके शिष्यों को और सारे समाज को सदाचार का और आत्मानुशासन का संदेश दिया गया। युद्ध में भले ही कोई हजार आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। तो अब देखो यहाँ पर उनका जो प्रमुख संदेश है कि युद्ध कहते हुए कहते लेखक क्या करे कि युद्ध में भले ही कोई हजार आदमियों पर विजय पा ले। अब राजा किसके कहा जाता है, विजय किसे कहा जाता है कि युद्ध के समय जो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारकर उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को विजयी कहा जाता है। लेकिन उनका संदेश क्या था है कि विजय हमें किस पर पाना है, अपने आप पर। अपने पर विजय पाना है मतलब किस पर, हमारी आत्मा पर। जो लोग या जो व्यक्ति अपने आत्मा पर विजय पा लेता है वह संसार के हर समस्या से हर संकट से वह जूझ सकता है। सच्चा विजेता वही होता है जो अपने आप पर विजय पाता है। तो यहाँ पर किसे सच्चा विजयी कहा गया है, जो अपने आप पर विजय पाता है अर्थात अपने आत्मा पर, अपने मन पर। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती है। तो देखो ये जाति जो जाति परंपरा वर्ग परंपरा थी कि उस जाति में जन्म लिया हुआ व्यक्ति आगे उसी जाति से जाना जाता है। लेकिन उनके इस धर्म का संदेश क्या था कि उसकी जाति जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म के द्वारा तय होती है। कि वह अगर अच्छा कर्म करता है तो वह उसी के हिसाब से उसका आगे जान पहचान होगी, उसकी जाति के द्वारा उसकी जान पहचान नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कर्म को ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया है। उन्होंने विवेक तर्क अनुभव का सहारा लिया है और लोगों से कहा है कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। तो इस प्रकार उन्होंने जो अपना संदेश दिया था उसके समर्थन के लिए उन्होंने न ही किसी ईश्वर या परलोक का हवाला लिया बल्कि उन्होंने क्या किया है, अपने मन के भीतर सत्य को झांकने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए लोगों को संदेश दिया है। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। तो सब दुखों का मूल कारण किसे कहा गया है, सत्य की जानकारी न होना। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया। अब देखो बहुत सारे धर्म आए थे जो कि कोई ईश्वर के अस्तित्व को मानता था तो कुछ धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म ने नहीं ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कहा है और न ही उनको अस्तित्व का माना भी नहीं है और उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। वे न उसे स्वीकार करते हैं और परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने बताया, वे न उसे स्वीकार करते हैं और न इनकार करते हैं। जहां जानकारी संभव नहीं है वे वहां हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीजों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो लेखक हमें यही कहना चाहते हैं कि जिन चीजों के बारे में हमने जो देखा है उसके बारे में ही हमें सत्य कहना है। अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं देना है और न ही उसकी जानकारी हासिल करना है। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञातन के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। तो इस प्रकार देखो जीवन में वेदना और दुख के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। अगर दुख नहीं होगा तो हम सत्य की ओर या सुख की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बौद्ध धर्म ने अधिकतर
वेदना, दुख, इस सारी चीजों पर बहुत बल दिया है। बुद्ध ने जिन चार आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण है। दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। तो जो चार आर्य सत्य उन्होंने बताए थे, हमने इतिहास में वो पढ़े, तो उसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय, यह सारी चीजें हम ढूंढेंगे तभी हम आगे प्रगति या विकास की उन्नति पर चल सकेंगे। दुख की इस स्थिति के अंत में अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात यहाँ पर ले मोक्ष। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता था, मतलब अति भोग भी नहीं और अति तपस्या भी नहीं। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। तो देखो, उन्होंने अष्टांग मार्ग पर जोर दिया था, बहुत महत्व माना जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा यह अष्टांग मार्ग करवाते थे। अब देखिए कौन कौन से थे वह अष्टांग मार्ग, सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, अच्छा बोलना, अच्छा लोगों से बोलना, उनसे भी अच्छा ही सुनना, सही आचरण, हमारा व्यवहार आचरण अच्छा होना चाहिए, जीवन यापन की पद्धतियां भी सही ढंग से होनी चाहिए, सही प्रयास, प्रयत्न भी हमें सही रूप से ही करना है, सही विचार और सही आनंद। तो इस प्रकार उन्होंने अष्टांग मार्ग का सीख सारे समाज के जितने भी शिष्य थे और सारे वर्ग के लोगों को वो देना चाहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथों में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही है और वे इतने हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है किंतु इसके अलावा कई हजार और ऐसे सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। मतलब यहाँ पर क्या प्राय इसे क्या समझ में आता है कि अगर पतझड़ चालू है तो उसमें से जो पत्तियां हम हाथ में लेते हैं हमें सिर्फ उतनी ही दिखाई देती है, लेकिन सत्य कुछ और ही होता है कि उसके अलावा भी पतझड़ में बहुत सारे पत्तियां गिरती रहती है। तो उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि मैंने मुट्ठी भर सत्य, अर्थात हमें सिर्फ इस संसार में मुट्ठी भर सत्य, थोड़े ही हमें दुख या सुख दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हजार सत्य होते हैं जिसकी गणना हम नहीं कर सकते या हम उसे देख नहीं पाते। अब देखते हैं बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की, या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासना और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से वे दूर से इतनी दूर, पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो, लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भी भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाने पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते हैं। तो मतलब देखो, आज युग से युग बीत गए लेकिन उन्होंने जो संदेश दिए थे, उन्होंने जो वास्तविकता या सत्यता समाज के लोगों के सामने रखी थी, आज भी वह वास्तविकता सत्यता हमें दिखाई देते है। इसीलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि युग पर युग बीतते गए लेकिन आज भी बुद्ध हमें हमारे बीच में ही मालूम होते हैं। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर में कहते हैं कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। कि हमें हमेशा हम क्या करते हैं, संकट आ जाते हैं हमारे विकास और प्रगति की ओर हम देखना भूल जाते हैं, वहीं पर हम रुक जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवन में विकास और प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए और आगे बहुत सारे अवसर हमें मिलते हैं आगे बढ़ने पर, अगर हम आगे बढ़े नहीं तो वह अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक
जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकते हैं। तो इस प्रकार लेखक यही कहना चाहते हैं कि यह भारत की बहुत सारे ऐसे देन थे जो आदर्श हमारे इस भारत में मिले थे। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। गुत्थिया रहस्य, समर्थन सहयोग करना, पद्धति विधि, अधुनातन आधुनिक, जीवन यापन गुजारा करना, लालसा इच्छा, संचित इकट्ठा किया। प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने घृणा का अंत किस प्रकार करने को कहा है? उत्तर के ऑप्शन है घृणा से, विरोध से, मेलजोल न रखकर या प्रेम से। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम से। सच्चा विजेता कौन कहलाता है? उत्तर के ऑप्शन है जो पूरी शासन सत्ता को संभाले, जो बड़ी सेना रखता हो, जो अधिक राज्यों को जीत ले, जो अपने मन पर विजय पाले। तो इसका सही उत्तर होगा जो अपने मन पर विजय पाले वही सच्चा विजेता कहलाता है। जैन धर्म भारत में ही क्यों सिमटा रहा? उत्तर के ऑप्शन है जाति भावना से प्रेरित होना, देश के बाहर प्रचारक न होना, बहुत कम लोगों का इस धर्म की ओर प्रेरित होना और धर्म में अधिक बंधन होना। तो इसका उत्तर हो सकता है धर्म में अधिक बंधन होना। तो अब तक हमने लेखक के द्वारा बताए गए परिच्छेदों से बहुत सारी जानकारी हासिल की है। आगे भी लेखक हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं ये पढ़ते अगले भाग में।